तो हम आ चुके हैं इस समय डुमरी, जो कि सतुआ बाबा के आश्रम गौशाले के पास पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीहोर वाले हैं, उनका कथा बनारस में है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव, और शेयर करिए ताकि और लोग भी आएँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कार्य हो रहा है। अभी तक 3 पंडाल बन चुके हैं, जिसमें जो पंडाल का कार्य लमसम आप देख रहे हैं मेरे पीछे हो चुका है, उसमें महाराज जी का कथा स्थल बनेगा। और अभी भी काम बहुत सारे बाकी हैं, जो कि 17 तारीख से लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप आगे बैठ सकते हैं। तो बहुत लोग बोले कि कोई चार्ज, तो ऐसा कोई बात नहीं, कोई आपको टोकन नहीं, कोई पर्ची कटेगी यहाँ पे। जितनी जल्दी आप आगे आ सकते हैं, आगे बैठ के कथा महाराज जी का सुन सकते हैं। महाराज जी कहते हैं आप आगे से नहीं, पीछे से नहीं, कहीं से भी आप कथा सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव, और शेयर करिए। भले आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक शेयर तो करिए, ताकि जो लोग बनारस के लोग नहीं आ पा रहे हो आएँ, और भी लोगों से आएँ। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आइए हम आपको अपने कैमरे से और भी यहाँ कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो और सतुआ बाबा के आश्रम लेके चलते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम कथा के समय, जो कि कथा का टाइम जो कि बदल दिया गया है। 20 तारीख को जो कथा रहेगा उसका अलग टाइम है, और 24 से 26 का अलग टाइम दिया गया है। तो हमारे वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिए। आइए हम चलते हैं, आपको लेके चल रहे हैं सतुआ बाबा के आश्रम। सतुआ बाबा के आश्रम के ठीक पीछे आप जो टीन सेट देख रहे हैं, वहाँ पे बना हुआ है भंडारा स्थल, नहाने का स्थान। और आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी से इस प्रकार के यहाँ पे जो कि टेंट की व्यवस्था की गई है, बहुत ही अच्छा दिव्य की गई है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 पंडाल बनाए गए हैं, जो कि पहले पंडाल में महाराज जी कथा कहेंगे व्यासपीठ पर बैठकर। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम सतुआ बाबा को देना चाहते हैं, जो कि बनारस में लगातार दूसरी बार कथा करवा रहे हैं। और आप देख रहे हैं लोग दूर दूर से, आज 17-18 तारीख है, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आएंगे उतना आगे जगह उन लोग को मिल पाएगा। अभी हम कार्यालय आप सामने देख सकते हैं गए थे, कार्यालय कैंप सतुआ बाबा ने लगाया है। सबसे बड़ा धन्यवाद हम तो सतुआ बाबा को देना चाहते हैं, कि जो कि बनारस में 2-2 बार कथा सुनने का सौभाग्य हम बनारस काशीवासियों को मिला। और यहाँ पर कोई भी VIP व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि कार्यालय में बताया गया है कि जितनी जल्दी आप आ सकते हैं उतना जल्दी आप आगे बैठकर कथा सुन सकते हैं। जो कि आज हमको 18 तारीख को भी मैंने आया तो मेरा ब्लॉग बना है, और 17 को भी मैंने आके यहाँ पर देखा, सर्वे किया, तो यहाँ पर काम कुछ तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि बहुत लोग जो भी कथा सुनने आए हैं कथा स्थल पे, वह काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, इसीलिए 17-18 तारीख को ही आ गए हैं। और आप इतना जगह जो देख रहे हैं काफ़ी, यह आपको 20 तारीख को देखने को जगह तो मिलेगा, लेकिन पैर रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कथा सुनने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और महाराज जी का कथा सुनते, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले के नाम से जाने जाते हैं। और इनका कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम सीहोर में मंदिर है कंकड़ शंकर के नाम से, वहाँ पर भी आप जरूर जाइए। अगर जो लोग नहीं गए तो मैं बोलना चाहूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए या मत करिए, कमेंट में हर हर महादेव बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। बैठे हुए हैं ताकि लोग जितनी जल्दी आ सके उतनी अच्छी जगह और उतनी अच्छा कथा सुन सके, महाराज जी को देख सके। हालांकि अगर आप सुनना चाहते हैं कथा तो आप कहीं से भी सुन सकते हैं, जैसा महाराज जी कहते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा में उपस्थित हो सकते हैं तो यहाँ पर होइए और शिव पुराण कथा सुनिए। सतुआ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि बनारस में दूसरी बार ऐसा बनारस वाले लोग को आनंद वन में बाबा की काशी में जो कथा सुनने का सौभाग्य सभी बनारस के लोगों को मिला। और यहाँ पर आप पंडाल देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, भगवा केसरिया रंग से, सफ़ेद और केसरिया रंग से पंडाल बनाया जा रहा है। यह पंडाल महाराज जी के लिए है,
और सामने आप देख सकते हो महाराज जी की कथा जो गद्दी है, सिंहासन व्यासपीठ, वहाँ बैठ कर महाराज जी कथा सुनाएंगे। और यहाँ पर लोग 17 तारीख से ही लोग आ चुके हैं। और सामने देख रहे हैं आप, यह कार्यालय कैंप बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं सीधा सतुआ बाबा के आश्रम और दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर गौशाला की व्यवस्था कैसे की गई है। 20 से 23 नवंबर 2024 को दोपहर 1 से 4 बजे कथा रहेगा, 24 से 26 दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगा। स्थल में आपको बता दूं, कथा स्थल है सतुआ बाबा गौशाला डुमरी पड़ाव वाराणसी। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कार्यालय कैंप में संपर्क कर सकते हैं। तो हम कार्यालय के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या व्यवस्था की गई है। जो कि व्यवस्था की बात करें तो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ की गई है। जो कि खाने रहने पीने की व्यवस्था यहाँ पर नंबरिंग सब पर कर दी गई है। कार्यालय है आप देख सकते हैं, क्योंकि एक कच्चा रास्ता है जो कि यहाँ पे गिट्टी फेंक कर इसको पिच रोड बनाया जाएगा ताकि गाड़ी फोर व्हीलर आने में आसानी हो। आप देख सकते हैं श्री सतुआ बाबा गौशाला आश्रम में हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे यह आश्रम जो गौशाला महाराज जी का बन रहा है सतुआ बाबा का, तो जैसा आप देख लिए यहाँ पे गौशाला महाराज जी का बना हुआ है। यहाँ पे गौ की सेवा होती है, कहा जाता है गौ की सेवा राष्ट्र की सेवा होती है। यह महाराज जी का आवास कार्यालय है। और महाराज जी का एक और आवास है जो कि मनकनका घाट के पास है। तो गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। नमस्ते।